देखते ही मुंह में पानी आ जाए और खाए बिना मन रह ना पाए, ऐसी है ये यूनिक स्टाइल की हलवाई के सुपर सीक्रेट से बनी हलवाई स्टाइल रसीले आलू की सब्जी, जिसके स्वाद के आगे आप शादियों वाली भंडारे वाली सारी आलू की सब्जी भूल जाएंगे, वो भी बिना प्याज और लहसुन के। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो आलू की सब्जी है एकदम यूनिक स्टाइल है और इसमें मैंने एक हलवाई की वो सीक्रेट टिप यूज की है जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी। बहुत ही ज्यादा लाजवाब, चटकारेदार और इतनी स्वादिष्ट कि फिर चाहे आप इसे पूड़ी, पराठा, रोटी, किसी चीज के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही यूनिक स्टाइल की सीक्रेट वाली हलवाई वाली रसीले आलू की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज के लाल लाल टमाटर। इस सब्जी को बनाने के लिए आप देसी टमाटर ले लीजिए या फिर जो लाल वाले होते हैं वो भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 हरी मिर्च और साथ में मैंने लिया है हरे धनिये की डंठल। तो अब हम यहाँ लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में इन सभी चीजों को डाल देंगे। अब यहाँ मैं एक ऐसी सीक्रेट चीज डालने वाली हूँ जिसके बाद आलू की सब्जी का स्वाद 100 गुना बढ़ जाएगा। साथ के साथ वो जो शिकायत होती है कि पानी पानी हो गई सब्जी में, बाइंडिंग नहीं आ पाई, वो टेस्ट नहीं आ रहा है हलवाइयों वाला, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये है वो हलवाई की सीक्रेट ट्रिक। मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 छोटे साइज का उबला हुआ आलू। यहीं पर टमाटर के साथ आपको आलू को पीसना है, फिर जो टेस्ट आएगा रसीले आलू की सब्जी में सब वाह वाह करेंगे और मतलब किसी का हाथ नहीं रुक पाएगा, सब लगातार खाएंगे। कि इस रेसिपी में आप ये वाली टिप्स अगर फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट एकदम 100% परफेक्ट मिलेगा। तो बस यहीं पर सभी चीजों को एक साथ डाल देंगे और इसका फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया, मैंने सब चीजों को पीस लिया है तो इसको रखते हैं अभी अलग। अब देखते हैं वो सीक्रेट वाला टेस्टी नेक्स्ट स्टेप। ये मैंने लिया है 1 खलबत्ता। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ा चम्मच हरी वाली सौंफ। इन दोनों ही चीजों का टेस्ट आलू की जो रसीली सब्जी बनती है हलवाई स्टाइल में जरूर पड़ता है, क्योंकि उसका बोलता है वो टेस्ट। साथ में यार मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच जीरा, थोड़ा सा जीरा यहीं डालेंगे। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच काला नमक। काले नमक से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा सब्जी में, साथ ही यहाँ पर डाल देंगे तो क्रश करने में भी आसानी होगी। साथ में यार मैं डाल रही हूँ 4-5 साबुत काली मिर्च और सभी चीजों को बिल्कुल बढ़िया से खलबत्ते से क्रश कर लेंगे। बहुत ज्यादा फाइन नहीं, बस मोटा मोटा, चाहे तो आप मिक्सी में पल्स पर चला लीजिए। एक्चुअली जो खड़े मसाले हम डालते हैं ना किसी भी सब्जी में, उसका फ्रेश फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है सब्जी में। जो रखे हुए मसालदानी के मसाले होते हैं उनमें वो बात नहीं आती जब आप इस तरह से ताजे मसाले डालते हैं। ये देखिए एकदम दरदरा सा मैंने इसको पीस लिया है, तो इसको रखते हैं अलग, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। फटाफट से गैस पर चढ़ाएंगे 1 कढ़ाई। कढ़ाई में मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच तेल। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ अपनी सब्जी में और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए 1 छोटी चम्मच देसी घी। इस सब्जी को पूरी तरह से घी में भी बना सकते हैं, चाहे तो आप जैसे मैं कर रही हूँ वैसे कर लीजिए। घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस हलवाई वाली सब्जी का। तेल को पहले बढ़िया से मध्यम आंच पर गर्म कर लेंगे और गर्म होते ही सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 2 तेज पत्ता, 2 से 3 हरी इलायची, 2 लौंग। यहीं पर इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। साथ में यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच हींग। इन सभी चीजों का फ्लेवर बहुत बहुत ही बढ़िया आता है जब आप ये तड़के में यहाँ लगाते हैं, तो वो पूरा फ्लेवर हमारी सब्जी में बाद में एकदम निखर कर आता है। और अब यहीं पर हम डालेंगे हमारा तैयार दरदरा किया हुआ मसाला। अच्छे से सभी चीजों को लो मीडियम फ्लेम पर तड़का लेंगे कि कोई चीज जले नहीं। ये जो हलवाई वाले रसीले आलू हम बना रहे हैं इसका जो यूनिक फ्लेवर है उसमें कोई प्याज या लहसुन का काम नहीं होता, इन्हीं सारे मसालों का फ्लेवर सब्जी में बोलता है। तो ये देखिए मसाले हल्के से भुन गए हैं, बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इससे मिर्च नहीं बढ़ेगी पर रंगत बढ़िया आ जाएगी। रेगुलर मिर्च डाल रहे हो तो अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छे से करेंगे मिक्स। और अब नेक्स्ट जो सीक्रेट चीज इसमें जाएगी जिससे टेस्ट भी आएगा और हमारी सब्जी को गाढ़ापन भी मिलेगा, बाइंडिंग मिलेगी, और वो है 1.5 बड़ा चम्मच बेसन। हलवाई बेसन को जरूर डालते हैं इस सब्जी में और बेसन से सच बनिए टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, क्योंकि इसमें हम कोई क्रीम काजू या हम कोई लहसुन प्याज का तो इस्तेमाल करते नहीं है, तो थोड़ा सा आपको ये डालना है। यहीं पर डालेंगे तो बेसन में कच्चापन भी निकल जाएगा, बढ़िया भुन जाएगा।
अच्छे से लो फ्लेम पर बेसन को मसालों के साथ भून लेंगे। और इस तरह बेसन को थोड़ा भूनते ही ना यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इससे क्या होगा कि जो मसाले है ना वो जलेंगे नहीं। ये देखिए बढ़िया से सब चीजें पक गई हैं। तो इस स्टेज पर अब इसमें जाएगी हमारी तैयार वो सीक्रेट वाला टमाटर का पेस्ट। और हमारे ग्राइंडिंग जार में जो भी थोड़ा बहुत लगा हुआ है हमारा टमाटर वाली प्यूरी, थोड़ा सा पानी डाल करके वो भी इसी में डाल देंगे। और बढ़िया से लो मीडियम फ्लेम पर टमाटर का कच्चा पन्ना निकल जाए तब तक अच्छे से भूनेंगे लगातार चलाते हुए। साथ में जाएगा नमक स्वाद अनुसार, और यहीं पर मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच कसूरी मेथी। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कसूरी मेथी का इस सब्जी में इस स्टेज पर। अच्छे से सब चीजों को मिक्स कर लेंगे, बढ़िया से पका लेंगे। टमाटर का पकना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें हमने उबला हुआ आलू डाला हुआ है तो क्या होगा, इससे एक तो गाढ़ापन मिल जाएगा सब्जी को, साथ ही जो उबला हुआ आलू हमने डाला है इसमें वो यहाँ पर भुनेगा, क्योंकि बाकी जो हम आलू डालेंगे वो उबली हुई फॉर्म में डालेंगे, ये वाला जो आलू है टमाटर के साथ एकदम भुन जाएगा, फिर फ्लेवर जबरदस्त आएगा सब्जी में। और ये देखिए सब चीज बिल्कुल बढ़िया से भुन गई है, एकदम किचन महक रहा है मेरा खड़े मसालों की खुशबू से। और ये देखिए तेल भी छूट रहा है, इतना तक हमें इसे भूनना है। और अब लो मीडियम फ्लेम पर हम सब्जी को इस तरह ढक देंगे और 5 मिनट बढ़िया से उबलने देंगे। और ये देखिए बहुत ही शानदार और खुशबूदार हमारी हलवाई स्टाइल, बल्कि हलवाई की सब्जी से भी बढ़िया रसीले आलू बनकर के तैयार हुए, आप देख सकते हैं। तो बस इस स्टेज पर अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप गरम पानी, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, गरम पानी का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि जो सब्जी का टेस्ट है वो मेंटेन रहे। आपको कितनी पतली या कितनी गाढ़ी रखनी है उस अनुसार आप पानी यहाँ पर एडजस्ट कर लें, और पानी में बिल्कुल बढ़िया से उबाल आने देंगे। ये जो सब्जी है रसीले आलू हल्के से कालेपन पर होती है, इसमें लालपन नहीं होता, जैसे आपने देखा होगा ना हलवाई जो बनाते हैं पूड़ियों के साथ भंडारे वाली चटकारेदार सब्जी बिना प्याज लहसुन की, और उसमें इस तरह की रंगत होती है, बिल्कुल वही बनेगी ये। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, एक हमने पहले यूज कर लिया था जिसने बाइंडिंग दे दी। अच्छे से हाथ से बस देखिए उबले हुए आलू लीजिए, इस तरह क्रश करके डालिए, अनइवन पीसेस गिरते हैं ना आलू के तभी इस सब्जी का टेस्ट आता है। आलू को मैंने पहले ही उबाल लिया था और बिल्कुल बढ़िया से ठंडा कर लिया और अब हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से क्रश करके आलू को हम डाल देंगे और अब लो मीडियम फ्लेम पर हम सब्जी को इस तरह ढक देंगे और 5 मिनट बढ़िया से उबलने देंगे जिससे कि सारे मसाले आलू पानी सब आपस में मिलजुल जाए, एकदम बढ़िया पक जाए। और ये देखिए इसी स्टेज पर इसमें जाएगा 1/2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, और गया बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और 1 स्प्लिटेड हरी मिर्च। ये लीजिए बहुत ही शानदार और चटकारेदार टेस्टी हलवाई वाले रसीले आलू की सब्जी है बिल्कुल तैयार। तो देखा आपने कि हमारी रेसिपी का रिजल्ट कितना मस्त आया है। आप मेरी टिप्स को फॉलो करके बनाइए, आपको हमेशा 100% रिजल्ट मिलेगा। और इस तरह दोनों में सर्व करेंगे ना पूड़ियों के साथ तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। गर्मा गर्म पूड़ियों के साथ परोसेंगे तो हाथ नहीं रोक पाएंगे, खाते ही जाएंगे। तो देखा आपने कि यूनिक स्टाइल के हलवाई वाले रसीले आलू की सब्जी कितनी शानदार है, आप इसे जरूर ट्राई करें। इससे पहले भी मैंने कुकर में आलू की सब्जी और हलवाई वाले शादी वाले आलू की सब्जी सभी आपके साथ शेयर की है, वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप उन्हें भी जरूर ट्राई करें, वो आपको बेहद पसंद आएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये बहुत ही यूनिक रसीले आलू की सब्जी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।